जो है नदी नाले से पानी उठा के दिया हो, कहीं से भी दिया हो, लेकिन हमने पानी उपलब्ध करवाया। और अब जैसे ही त्रासदी ओवर हुई है, अब हमारा प्रयास है कि अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारी मदद नहीं होनी है, उसे पीने का पानी जो है उठाकर सप्लाई कर दिया जा रहा है। उनमें कोई फिल्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कीचड़ जैसा पानी नलों में आ रहा है। उसके रिनोवेशन का क्या? देखिए ऐसा है, आप सबसे बुद्धिजीवी वर्ग प्रेस के लोग हैं, जिस विभाग को 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें प्रदेश में पानी को चलायमान रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आपकी बात मैंने सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। प्रदेश में पानी को लेके हाहाकार न मचे, क्योंकि ये तो हर घर तक जाता है। सबसे बड़ा हाहाकार किस में मचेगा कि मेरे घर में पानी नहीं आया, मेरी वो नहीं हुई। तो हमने किसी भी सोर्स से, चाहे हमने जो है कोई अल्टरनेट पुरानी स्कीम बहाल की हो जो पहले चलती थी लेकिन अब बंद थी, हमने उससे पानी दिया हो, चाहे हमने हैंडपंप को रिचार्ज करके दिया हो, चाहे हमने किसी जो है नदी नाले से पानी उठा के दिया हो, कहीं से भी दिया हो, लेकिन हमने पानी उपलब्ध करवाया। और अब जैसे ही त्रासदी ओवर हुई है, अब हमारा प्रयास है कि अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारी मदद नहीं होनी है। 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है हमें, और इस नुकसान की, और अकेले जल जीवन मिशन में जो बन रही थी स्कीमें उसमें 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, नई स्कीमें जो धराशायी हो गई। तो इसलिए संभव है कि आप जो बात कह रहे हो कई जगह ऐसी दिक्कतें आई हों, लेकिन हम प्रदेश के स्कीमों को सही तरीके से बहाल करने के लिए हमने प्रदेश में वित्त विभाग को भी ये कहा है कि हमें पैसे की जरूरत है। पैसा आया भी है, कुछ पैसा और मांगा भी जा रहा है, कुछ इस जो 4500 करोड़ का पैकेज है इसमें भी हमें एश्योरेंस मिली है कि इसमें हमें पैसा आ रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम स्कीमों को ठीक कर पाए और उसमें फिल्ट्रेशन का प्रबंध कर सकें, और जो भी है बहुत जल्दी हर स्थिति को सामान्य करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर स्कीम आप बताते हैं तो मैं डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट को कर दूंगा कि उस स्कीम में वो जाएं और उसको जाके देखें, ताकि जनता को हम शुद्ध जल जो है मुहैया करवा सकें।